2019 में स्मार्ट सिटी की नींव तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रखी थी। उसके बाद साल 2022 तक देहरादून स्मार्ट सिटी में तब्दील हो जाएगा, ऐसे वादे जनता से किए गए थे। लेकिन आलम यह है कि वर्ष 2023 भी लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन स्मार्ट सिटी के कार्य अभी भी अधर में ही अटके हुए हैं। स्मार्ट सिटी के कार्य जल्द ही हो, इसके लिए कई विभागों के पास में इसकी जिम्मेदारी भी है। अभी तक इसके कार्य पूरे न होने पर अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। जिला अधिकारी सोनिका सिंह की माने तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मात्र 8.5 किलोमीटर यानी कि तकरीबन 8.5 किलोमीटर की सड़क ही बन पाई है। बाकी सभी काम पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग पूरा करेगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं जैसे पहले भी बताती आई हूँ, शहर में जो 8.5 किलोमीटर की रोड है स्मार्ट सिटी की, बस वही कार्य अपूर्ण है आज की तारीख में, और उसका कार्य तेजी से चल रहा है। सभी रोड पे आप देखेंगे कार्य चल रहा है। इसके अलावा जो शहर में काम चल रहे हैं वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा, जैसे रिस्पना की रोड हो गई, रिस्पना वाले एरिया हो गया, जोगी वाला शहर, बिहारा वाली रोड हो गई, ये सारे जो है वो पीडब्ल्यूडी ऋषिकेश की विंग के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ कार्य यूएसडीए द्वारा और कुछ कार्य अन्य एजेंसी द्वारा किए जा रहे हैं।